रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की ओर से कोकण और महाड़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए रिलीफ का सामान के लिए 5 गाड़ियां यहां से रवाना की गई। इस रिलीफ के सामान में घर की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी, बिस्किट, झाड़ू, साबुन समेत अन्य सामग्री भेजी गई। इस मौके पर गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, थाने अध्यक्ष आनंद प्रांचपे और महाराष्ट्र यूथ अध्यक्ष महबूब शेख समेत सभी लोग मौजूद थे। राष्ट्रवादी के हक में उतरी है बिस्किट, किनेल की बाटले, पानी की बॉटल, ऐसे तरीके जो जो लगेगा घर में, जो जो काम की चीज़ है वो सब हम यहाँ से भेज रहे हैं। हमारे नौजवान यूथ कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे हैं, आनंद परांजे पे यहाँ पे हैं, हमारे विरोधी पक्ष नेता जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है जमा करने में, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष महबूब शेख हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। 25 कार्यकर्ता इस ट्रक में जा रहे हैं। उधर हमने उन एरिया जो है वहाँ का जो इलाका है उसके जो लोग हैं उनसे बात कर लिए, तो बराबर जिस ट्रक में जो बैठा है जिसको कहा गया वो वहाँ पे पहुँचेगा, यानी जो ज़रूरतमंद है उनको मदद होगी। से हमने ऑर्डर दिया है कम से कम 5-10 हज़ार बिस्तरे यहाँ से जाएंगे, यानी एक बिस्तर, दो चद्दर, ब्लैंकेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब यहाँ से जाएंगे। थैंक यू।